السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شیخ صاحب میرا آج کا ایک سوال تھا قربانی کے متعلق ہے جی کہ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے جب بکرے کو ذبح کرتے رہتے ہیں جی تو جتنے لوگ اس کے پیر پکڑے رہتے ہیں جتنے بھی لوگ ساتھ میں رہتے ہیں سب کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا پڑے گا نہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوئیں گی تو اس طرح یہاں پر بتاتے ہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے دیکھیے بسم اللہ کا وہ آدمی کرے گا جو ذبح کر رہا ہے بس جی अगर लोग ये समझ रहे हैं कि सारे लोगों का बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है वो नहीं पढ़ेंगे तो कुर्बानी जायज नहीं होगी तो ये बिदात है, ये दीन के अंदर अपनी तरफ से इजाफा है, ये अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कहा है, आप अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हैं लिहाजा ये बिदात है। तो बिस्मिल्लाह वो आदमी करेगा जो जानवर को ज़बह कर रहा है, ज़बह करने वाला छुरी चलाने वाला वो बिस्मिल्लाह करेगा। दूसरी बात, आपने एक और जिक्र किया कि लोग उसका पाँव पकड़े रहते हैं, ये मसला भी मैंने भी देखा है कि बेचारा बकरा जो है अगर कमजोर सा भी बकरा है तो चार पांच छह सात लोग मिलकर के उसको यूं जकड़ते हैं कि वो हिल भी नहीं पाएगा। अगर थोड़ी देर तक उसको उसी तरह जकड़े रहे तो छुरी नहीं भी फेरेंगे तो मर जाएगा, है ना। तो जानवर के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान और भलाई का मामला करने का हुक्म दिया है, और जो तजर्बाकार हैं इस मामले में वो जानते हैं कि अगर जानवर का जिस्म थोड़ा सा ढीला रहेगा, अपने हाथ पांव वो चलाएगा तो उसके जिस्म से खून जल्दी निकलेगा, तो एक तो उसकी जान जल्दी निकलेगी, दूसरा ये कि उसके जिस्म के अंदर जो खून है फासिद खून वो सब निकल जाएगा, और जब आप जकड़े हुए हैं वो सांस भी नहीं ले पा रहा है तो खून कैसे निकलेगा उसका। तो आप सिर्फ इतना पकड़े उसको कि वो भागने ना पाए, इतना पकड़े कि वो काबू में रहे, कंट्रोल में रहे, उसको ऐसे नहीं जकड़े कि वो हिल भी ना सके। जी जी जावेद भाई, हाँ ठीक है। नहीं, पूछने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जुमा में बयान हुआ इसके मुताबिक जो कसाई रहता है उसको भी वो दुआ पढ़ना पड़ेगा, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर कहना पड़ेगा, और वो दबा करने वाले को करना पड़ना, तो सीधा सीधा उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा आलिम साहब बताए, इसलिए अब वो जिस आलिम ने बयान किया है मैं क्या बताऊं उसके बारे में, चलिए आगे चलते।